हेलो व्हाट्सअप पीपल, आज की वीडियो के अंदर हम लोग जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है मैड मैक्स, जो कि 1979 की एक ऑस्ट्रेलियन फिल्म है। आज हम कोशिश करेंगे कि मैं आपको इस फिल्म के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ, बहुत ज़्यादा मैं आपको इसके बारे में बता पाऊँ, ताकि आप इस फिल्म के बारे में जान सको कि आपको ये देखनी चाहिए नहीं। आज मैं आपको इस फिल्म के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा, जैसे कि इसका सिनेमेटोग्राफर कौन है, इसके डायरेक्टर कौन है, इसके प्रोड्यूसर और इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स और इसके राइटर्स और इसके अंदर जो स्टारिंग कैरेक्टर्स जिन्होंने इसके अंदर काम किया, जिन्होंने इसके अंदर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया इस फिल्म को इतना अच्छा बनने में, और इसका बजट क्या था, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या था, इसकी रिलीज़ डेट और किसने इसको रिलीज़ कराया और कब ये रिलीज़ हुई थी, और बहुत सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। बहुत सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। तो चलिए फटाफट से आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं जिस फिल्म के बारे में, उस फिल्म का नाम है मैड मैक्स, जो कि 1979 की एक ऑस्ट्रेलियन फिल्म है और इसके डायरेक्टर है जॉर्ज मिलर। और अगर हम बात करें इस फिल्म की थीम की, तो ये फिल्म एक डायस्टोपियन एक्शन फिल्म है, ये ठीक है। और इसके डायरेक्टर मैंने आपको अभी बताया, जो कि है जॉर्ज मिलर, और इस फिल्म के जो को राइटर है वो है जेम्स एमसी कॉजलैंड। और ये जो फिल्म है उसकी जो कि स्टोरी है, जो कि मिलर और बायरन कैनेडी इन पे ये बेस्ड होने वाली है, और जो कि मेल गिब्सन है जिन्होंने इसके अंदर स्टार रोल प्ले किया है, जिन्होंने मतलब इसके अंदर मेल गिब्सन ने एक स्टारिंग रोल प्ले किया है, जो कि मेन लीड रोल होता है, जो कि मैड का इन्होंने रोल प्ले किया है, और मैक्स रोडेंस का है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है, जो कि विजिलेंट में टर्न हो जाता है, जो कि फ्यूचर ऑस्ट्रेलिया के पास ही एक डायस्टोपियन है, वहाँ पे वो विजिलेंट में जो कि टर्न हो जाता है। और ये बात रहती है कुछ करीब सोसाइटल कोलैप्स के बीच की बात रहती है, जब वो चेंज हो जाता है, ठीक है। और जॉनी सैमुअल और ह्यूज कियेसे बायरन और स्टीव बिस्ले, टिम बर्न्स और रॉगर वॉर्ड, ये भी आपको इसके अंदर सपोर्टिंग रोल्स, एज अ सपोर्टिंग रोल आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें इस फिल्म की जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी की, जो कि इसकी जो मेन फोटोग्राफी है वो कब हुई थी, तो इसकी जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी है वो जो कि मैड मैक्स के लिए है, उन्होंने इसकी प्रिंसिपल फोटोग्राफी के लिए मेलबोर्न के आसपास की जगह को चुना था, और ये जो कि फोटोग्राफी है वो कि पूरे 6 हफ्तों तक चली थी, यानी कि लगभग 1.5 महीने तक ये इनकी फोटोग्राफी है, फिल्मिंग है वो चली थी, ठीक है, मतलब शूटिंग जो है वो चली थी। और अगर हम यहीं पे आपको बताना चाहूँ इसके फिल्म के सिनेमेटोग्राफर कौन है, तो इसके सिनेमेटोग्राफर है जो कि डेविड एग्बी है, जिन्होंने इसकी सिनेमेटोग्राफी की थी, ठीक है। और ये जो फिल्म है इसको पोलराइज्ड रिसेप्शन मिला था जब ये रिलीज़ हुई थी 19 अप्रैल 1979 के अंदर, और इसी फिल्म ने AACTA अवार्ड जीते थे, ठीक है। इन्होंने 4 AACTA अवार्ड जीते थे जब ये फिल्म रिलीज़ हुई थी। और इसका जो फिल्म का बजट था, जो कि है $4 लाख का था, मतलब 400 के डॉलर का इसका बजट था, और जो इसने टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो उठाया है वो भाई बहुत गजब का इन्होंने उठाया है, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी आपके लिए थोड़ा सस्पेंस है, आपको थोड़ा गैस कीजिए मतलब कितना हो सकता है। लेकिन है ना, इसका जो फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, उसके लिए इस फिल्म का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी आया है, जो कि है मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म करके इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी मिला है। और तभी से जो मैड मैक्स की जो फ्रेंचाइज है, जबकि सीरीज़ है, जो कि जबी से चालू हो गई थी, ठीक है, और तभी इसके बाद इसके जो कि 3 सीक्वल राइज हुए थे, जो कि मैड मैक्स 2, मैड मैक्स बियॉन्ड थंडर डोम, जो कि 1985 के अंदर आया था, और मैड मैक्स 2 1981 के अंदर, और उसके बाद मैड मैक्स फ्यूरी रोड, जो कि 2015 के अंदर आई थी, और एक
जो कि है फ्यूरियोसा मैडमैक्स सागा, जो कि अभी 2024 के अंदर आई थी, जिसके बारे में हम अपनी पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, ठीक है। तभी से इनकी ये सीरीज़ और इनकी सीक्वल वगैरह चलने लग गए थे, और जब वो उनकी मैडमैक्स ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिया था। और चलो अब इसके बारे में हम थोड़ी और जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करूँगा, जिसकी इसके एडिटर की अगर हम बात करें तो इसके एडिटर है टॉनी पैटरसन, और इनके साथ ही क्लिफ हेस, ये दोनों इसके एडिटर हैं। और अगर हम बात करें इस फिल्म के अंदर म्यूज़िक का काम किसने किया है, तो इस फिल्म के अंदर म्यूज़िक का काम किया है ब्रियान मे ने। और प्रोडक्शन कंपनीज की अगर हम बात करें, जो कि है केनेडी मिलर प्रोडक्शंस, और हम डिस्ट्रीब्यूटर्स की अगर हम बात करें, जो कि है रोड शो फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर। जो इसके डिस्ट्रीब्यूटर से अगर हम बात करें इस फिल्म की रिलीज़ डेट के बारे में, जो कि है 12 अप्रैल 1979, और अगर हम बात करें ये फिल्म कितने मिनट की रही थी उस टाइम पे, तो ये 93 मिनट्स की ये फिल्म टोटल रही थी, ठीक है। और अगर हम बात करें, आपको बताया इसका जो बजट था, जो उन्होंने एस्टिमेटेड का जो बजट था, जो कि है 350 के से 400 के डॉलर्स का इनका बजट था, यानी कि 3.5 लाख से 4 लाख डॉलर का इनका टोटल बजट रहा था उस टाइम पे, और जो कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर थे। और उसी के बाद जो इसका जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, जो कि इसका ओवरऑल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, जो कि मैंने तेरे सस्पेंस बना के रखा था, वो है 100 मिलियन यूएस डॉलर्स, ये इसका ओवरऑल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। और इसी के साथ इस फिल्म को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर शामिल किया गया, जो कि मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म करके इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर नाम मिला। तो भाई ऐसी फिल्म के बारे में आज मैंने आपको बताया, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिसका नाम शामिल है। तो आप ज़रूर से कमेंट करके बताना आपको ये फिल्म कैसी लगी, और इसी के बारे में आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। मुझे लगता है आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई फिल्म रिव्यू या किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय। बहुत ज़्यादा मैं आपको इसके बारे में बता पाऊँ ताकि आप इस फिल्म के बारे में जान सको कि आपको ये देखनी चाहिए नहीं। आज मैं आपको इस फिल्म के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा, जैसे कि इसका सिनेमेटोग्राफर कौन है, इसके डायरेक्टर कौन है, इसके प्रोड्यूसर और इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स और इसके राइटर्स, और इसके अंदर जो स्टारिंग कैरेक्टर्स जिन्होंने इसके अंदर काम किया, जिन्होंने इसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दिया इस फिल्म को इतना अच्छा बनने में, और इसका बजट क्या था, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या था, इसकी रिलीज़ डेट, और किसने इसको रिलीज़ कराया, और कब ये रिलीज़ हुई थी, और बहुत सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। बहुत सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। तो चलिए फटाफट से आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं जिस फिल्म के बारे में, उस फिल्म का नाम है मैड मैक्स, जो कि 1979 की एक ऑस्ट्रेलियन फिल्म है, और इसके डायरेक्टर है जॉर्ज मिलर। और अगर हम बात करें इस फिल्म की थीम की, तो ये फिल्म एक डायस्टोपियन एक्शन फिल्म है, ये ठीक है। और इसके डायरेक्टर मैंने आपको अभी बताया, जो कि है जॉर्ज मिलर, और इस फिल्म के जो को राइटर है वो है जेम्स एमसी कॉजलैंड। और ये जो फिल्म है उसकी जो कि स्टोरी है, जो कि मिलर और बायरन कैनेडी इन पे ये बेस्ड होने वाली है, और जो कि मेल गिब्सन है जिन्होंने इसके अंदर स्टार रोल प्ले किया है, जिन्होंने मतलब इसके अंदर मेल गिब्सन ने एक स्टारिंग रोल प्ले किया है, जो कि मेन लीड रोल होता है, जो कि मैड का इन्होंने रोल प्ले किया है, और मैक्स रोडेंस का है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है, जो कि विजिलेंट में टर्न हो जाता है, जो कि फ्यूचर ऑस्ट्रेलिया के पास ही एक डायस्टोपियन है, वहाँ पे वो विजिलेंट में जो कि टर्न हो जाता है। और ये बात रहती है कुछ करीब सोसाइटल कोलैप्स के बीच की बात रहती है, जब वो चेंज हो जाता है, ठीक है। और जॉनी सैमुअल और ह्यूज कियेसे बायरन और स्टीव बिस्ले, टिम बर्न्स और रॉगर वॉर्ड, ये भी आपको इसके अंदर सपोर्टिंग रोल्स, एज अ सपोर्टिंग रोल आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें इस फिल्म की जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी की, जो कि इसकी जो मेन फोटोग्राफी है वो कब हुई थी, तो इसकी जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी है
वो जो कि मेड मैक्स के लिए है, उन्होंने उन्होंने इसकी प्रिंसिपल फोटोग्राफी के लिए मेलबोर्न के आसपास की जगह को चुना था। और ये जो कि फोटोग्राफी है वो कि पूरे 6 हफ्तों तक चली थी, यानी कि लगभग 1.5 महीने तक ये इनकी फोटोग्राफी है, फिल्मिंग है, वो चली थी। ठीक है, मतलब शूटिंग जो है वो चली थी। और अगर हम यहीं पे आपको बताना चाहूँ इसके फिल्म के सिनेमेटोग्राफर कौन है, तो इसके सिनेमेटोग्राफर है जो कि डेविड एग्बी है, जिन्होंने इसकी सिनेमेटोग्राफी की थी। ठीक है, और ये जो फिल्म है उसको इसको पोलराइज्ड रिसेप्शन मिला था जब ये रिलीज़ हुई थी 19 अप्रैल 1979 के अंदर। और इसी फिल्म ने AACTA अवार्ड जीते थे। ठीक है, इन्होंने 4 AACTA अवार्ड जीते थे जब ये फिल्म रिलीज़ हुई थी। और इसका जो फिल्म का बजट था जो कि है $4 लाख का था, मतलब 400 के डॉलर का इसका बजट था। और जो इसने टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो उठाया है वो भाई बहुत गजब का इन्होंने उठाया है, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी आपके लिए थोड़ा सस्पेंस है, आपको थोड़ा गैस कीजिए मतलब कितना हो सकता है। लेकिन है ना, इसका इसका जो फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है उसके लिए इसका नाम, इस फिल्म का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी आया है, जो कि है मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म करके इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी मिला है। और तभी से जो मैड मैक्स की जो फ्रेंचाइज है, जबकि सीरीज़ है जो कि जबी से चालू हो गई थी। ठीक है, और तभी इसके बाद इसके जो कि 3 सीक्वल राइज हुए थे, जो कि मैड मैक्स 2, मैड मैक्स बियॉन्ड थंडर डोम जो कि 1985 के अंदर आया था, और मैड मैक्स 2 1981 के अंदर, और उसके बाद मैड मैक्स फ्यूरी रोड जो कि 2015 के अंदर आई थी, और एक जो कि है फ्यूरियोसा मैड मैक्स सागा जो कि अभी 2024 के अंदर आई थी, जिसके बारे में हम अपनी पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। ठीक है, तभी से इनकी ये सीरीज़ और इनकी सीक्वल वगैरह चलने लग गए थे, और जब वो उनकी मैड मैक्स ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिया था। और चलो अब इसके बारे में हम थोड़ी और जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करूँगा, जिसकी इसके एडिटर की अगर हम बात करें तो इसके एडिटर है टॉनी पैटरसन, और इनके साथ ही क्लिफ हेस, ये दोनों इसके एडिटर हैं। और अगर हम बात करें इस फिल्म के अंदर म्यूज़िक का काम किसने किया है, तो इस फिल्म के अंदर म्यूज़िक का काम किया है ब्रियान मे ने। और प्रोडक्शन कंपनीज की अगर हम बात करें जो कि है केनेडी मिलर प्रोडक्शंस, और हम डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूटर्स की अगर हम बात करें जो कि है रोड शो फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर, जो इसके डिस्ट्रीब्यूटर से अगर हम बात करें इस फिल्म की रिलीज़ डेट के बारे में जो कि है 12 अप्रैल 1979, और अगर हम बात करें ये फिल्म कितने मिनट की रही थी उस टाइम पे, तो ये 93 मिनट्स की ये फिल्म टोटल रही थी। ठीक है, और अगर हम बात करें, आपको बताया इसका जो बजट था, जो उन्होंने एस्टिमेटेड का जो बजट था जो कि है 350 के से 400 के डॉलर्स का इनका बजट था, यानी कि 3.5 लाख से 4 लाख डॉलर का इनका टोटल बजट रहा था उस टाइम पे, और जो कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर थे। और उसी के बाद जो इसका जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, जो कि इसका ओवरऑल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, जो कि मैंने तेरे सस्पेंस बना के रखा था, वो है 100 मिलियन डॉलर्स, 100 मिलियन US डॉलर्स, ये इसका ओवरऑल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। और इसी के साथ इस फिल्म को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर शामिल किया गया, जो कि मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म करके इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर नाम मिला। तो भाई ऐसी फिल्म के बारे में आज मैंने आपको बताया जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिसका नाम शामिल है। तो आप ज़रूर से कमेंट करके बताना आपको ये फिल्म कैसी लगी, और इसी के बारे में आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। मुझे लगता है आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई फिल्म रिव्यू या किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय। बहुत ज़्यादा मैं आपको इसके बारे में बता पाऊँ ताकि आप इस फिल्म के बारे में जान सको कि आपको ये देखनी चाहिए नहीं। आज मैं आपको इस फिल्म के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा, जैसे कि इसका सिनेमेटोग्राफर कौन है, इसके डायरेक्टर कौन है, इसके प्रोड्यूसर और इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स और इसके राइटर्स, और इसके अंदर जो स्टारिंग कैरेक्टर्स जिन्होंने इसके अंदर काम किया, जिन्होंने इसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दिया इस फिल्म को इतना अच्छा बनने में, और इसका बजट क्या था, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या था, इसकी रिलीज़ डेट, और किसने इसको रिलीज़ कराया, और कब ये रिलीज़ हुई थी, और बहुत सारी चीज़ें आज आपको इस
वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी, बहुत सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। तो चलिए फटाफट से आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं जिस फिल्म के बारे में, उस फिल्म का नाम है मैड मैक्स, जो कि 1979 की एक ऑस्ट्रेलियन फिल्म है और इसके डायरेक्टर है जॉर्ज मिलर। और अगर हम बात करें इस फिल्म की थीम की, तो ये फिल्म एक डायस्टोपियन एक्शन फिल्म है ये, ठीक है। और इसके डायरेक्टर मैंने आपको अभी बताया, जो कि है जॉर्ज मिलर। और इस फिल्म के जो को राइटर है वो है जेम्स एमसी कॉजलैंड। और ये जो फिल्म है उसकी जो कि स्टोरी है, जो कि मिलर और बायरन कैनेडी इन पे ये बेस्ड होने वाली है। और जो कि मेल गिब्सन है, जिन्होंने इसके अंदर स्टार रोल प्ले किया है, जिन्होंने मतलब इसके अंदर मेल गिब्सन ने एक स्टारिंग रोल प्ले किया है, जो कि मेन लीड रोल होता है, जो कि मैड का इन्होंने रोल प्ले किया है। और मैक्स रोडेंस का है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है, जो कि विजिलेंट में टर्न हो जाता है, जो कि फ्यूचर ऑस्ट्रेलिया के पास ही एक डायस्टोपियन है, वहाँ पे वो विजिलेंट में जो कि टर्न हो जाता है। और ये बात रहती है कुछ करीब सोसाइटल कोलैप्स के बीच की बात रहती है, जब वो चेंज हो जाता है, ठीक है। और जॉनी सैमुअल और ह्यूज कियेसे बायरन और स्टीव बिस्ले, टिम बर्न्स और रॉगर वॉर्ड, ये भी आपको इसके अंदर सपोर्टिंग रोल्स, एज अ सपोर्टिंग रोल आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें इस फिल्म की जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी की, जो कि इसकी जो मेन फोटोग्राफी है वो कब हुई थी, तो इसकी जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी है वो जो कि मैड मैक्स के लिए है, उन्होंने इसकी प्रिंसिपल फोटोग्राफी के लिए मेलबोर्न के आसपास की जगह को चुना था। और ये जो कि फोटोग्राफी है वो कि पूरे 6 हफ्तों तक चली थी, यानी कि लगभग 1.5 महीने तक ये इनकी फोटोग्राफी है, फिल्मिंग है वो चली थी, ठीक है, मतलब शूटिंग जो है वो चली थी। और अगर हम यहीं पे आपको बताना चाहूँ इसके फिल्म के सिनेमेटोग्राफर कौन है, तो इसके सिनेमेटोग्राफर है जो कि डेविड एग्बी है, जिन्होंने इसकी सिनेमेटोग्राफी की थी, ठीक है। और ये जो फिल्म है इसको पोलराइज्ड रिसेप्शन मिला था जब ये रिलीज़ हुई थी 19 अप्रैल 1979 के अंदर। और इसी फिल्म ने AACTA अवार्ड जीते थे, ठीक है। इन्होंने 4 AACTA अवार्ड जीते थे जब ये फिल्म रिलीज़ हुई थी। और इसका जो फिल्म का बजट था, जो कि है $4 लाख का था, मतलब 400 के डॉलर का इसका बजट था। और जो इसने टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो उठाया है वो भाई बहुत गजब का इन्होंने उठाया है, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी आपके लिए थोड़ा सस्पेंस है, आपको थोड़ा गैस कीजिए मतलब कितना हो सकता है। लेकिन है ना, इसका जो फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, उसके लिए इस फिल्म का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी आया है, जो कि है मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म करके इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी मिला है। और तभी से जो मैड मैक्स की जो फ्रेंचाइज है, जबकि सीरीज़ है, जो कि जबी से चालू हो गई थी, ठीक है। और तभी इसके बाद इसके जो कि 3 सीक्वल राइज हुए थे, जो कि मैड मैक्स 2, मैड मैक्स बियॉन्ड थंडर डोम, जो कि 1985 के अंदर आया था, और मैड मैक्स 2 1981 के अंदर, और उसके बाद मैड मैक्स फ्यूरी रोड, जो कि 2015 के अंदर आई थी, और एक जो कि है फ्यूरियोसा मैड मैक्स सागा, जो कि अभी 2024 के अंदर आई थी, जिसके बारे में हम अपनी पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, ठीक है। तभी से इनकी ये सीरीज़ और इनकी सीक्वल वगैरह चलने लग गए थे, और जब वो उनकी मैड मैक्स ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिया था। और चलो अब इसके बारे में हम थोड़ी और जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करूँगा, जिसकी इसके एडिटर की अगर हम बात करें, तो इसके एडिटर है टॉनी पैटरसन, और इनके साथ ही क्लिफ हेस, ये दोनों इसके एडिटर हैं। और अगर हम बात करें इस फिल्म के अंदर म्यूज़िक का काम किसने किया है, तो इस फिल्म के अंदर म्यूज़िक का काम किया है ब्रियान मे ने। और प्रोडक्शन कंपनीज की अगर हम बात करें, जो कि है कैनेडी मिलर प्रोडक्शंस, और हम डिस्ट्रीब्यूटर्स की अगर हम बात करें, जो कि है रोड शो फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर, जो इसके
डिस्ट्रीब्यूटर से अगर हम बात करें इस फिल्म की रिलीज डेट के बारे में, जो कि है 12 अप्रैल 1979, और अगर हम बात करें ये फिल्म कितने मिनट की रही थी उस टाइम पे, तो ये 93 मिनट्स की ये फिल्म टोटल रही थी, ठीक है। और अगर हम बात करें, आपको बताया इसका जो बजट था, जो उन्होंने एस्टिमेटेड का जो बजट था, जो कि है 350 के से 400 के डॉलर्स का इनका बजट था, यानी कि 3.5 लाख से 4 लाख डॉलर का इनका टोटल बजट रहा था उस टाइम पे, और जो कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर थे। और उसी के बाद जो इसका जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, जो कि इसका ओवरऑल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, जो कि मैंने तेरे सस्पेंस बना के रखा था, वो है 100 मिलियन यूएस डॉलर्स। ये इसका ओवरऑल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, और इसी के साथ इस फिल्म को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर शामिल किया गया, जो कि मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म करके इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर नाम मिला। तो भाई ऐसी फिल्म के बारे में आज मैंने आपको बताया जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिसका नाम शामिल है। तो आप ज़रूर से कमेंट करके बताना आपको ये फिल्म कैसी लगी, और इसी के बारे में आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। मुझे लगता है आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और नई फिल्म रिव्यू या किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय। बहुत ज़्यादा मैं आपको इसके बारे में बता पाऊँ ताकि आप इस फिल्म के बारे में जान सको कि आपको ये देखनी चाहिए नहीं। आज मैं आपको इस फिल्म के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा, जैसे कि इसका सिनेमेटोग्राफर कौन है, इसके डायरेक्टर कौन है, इसके प्रोड्यूसर और इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स और इसके राइटर्स, और इसके अंदर जो स्टारिंग कैरेक्टर्स जिन्होंने इसके अंदर काम किया, जिन्होंने इसके अंदर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया इस फिल्म को इतना अच्छा बनने में, और इसका बजट क्या था, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या था, इसकी रिलीज डेट, और किसने इसको रिलीज़ कराया, और कब ये रिलीज़ हुई थी, और बहुत सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। बहुत सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। तो चलिए फटाफट से आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं जिस फिल्म के बारे में, उस फिल्म का नाम है मैड मैक्स, जो कि 1979 की एक ऑस्ट्रेलियन फिल्म है, और इसके डायरेक्टर है जॉर्ज मिलर। और अगर हम बात करें इस फिल्म की थीम की, तो ये फिल्म एक डायस्टोपियन एक्शन फिल्म है, ये ठीक है। और इसके डायरेक्टर मैंने आपको अभी बताया, जो कि है जॉर्ज मिलर, और इस फिल्म के जो को राइटर है वो है जेम्स एमसी कॉजलैंड। और ये जो फिल्म है उसकी जो कि स्टोरी है, जो कि मिलर और बायरन कैनेडी इन पे ये बेस्ड होने वाली है, और जो कि मेल गिब्सन है जिन्होंने इसके अंदर स्टार रोल प्ले किया है, जिन्होंने मतलब इसके अंदर मेल गिब्सन ने एक स्टारिंग रोल प्ले किया है, जो कि मेन लीड रोल होता है, जो कि मैड का इन्होंने रोल प्ले किया है, और मैक्स रोडेंस का है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है, जो कि विजिलेंट में टर्न हो जाता है, जो कि फ्यूचर ऑस्ट्रेलिया के पास ही एक डायस्टोपियन है, वहाँ पे वो विजिलेंट में जो कि टर्न हो जाता है, और ये बात रहती है कुछ करीब सोसाइटल कोलैप्स के बीच की बात रहती है, जब वो चेंज हो जाता है, ठीक है। और जॉनी सैमुअल और ह्यूज कियेसे बायरन और स्टीव बिस्ले, टिम बर्न्स और रॉगर वॉर्ड, ये भी आपको इसके अंदर सपोर्टिंग रोल्स, एज अ सपोर्टिंग रोल आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें इस फिल्म की जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी की, जो कि इसकी जो मेन फोटोग्राफी है वो कब हुई थी, तो इसकी जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी है वो जो कि मैड मैक्स के लिए, उन्होंने इसकी प्रिंसिपल फोटोग्राफी के लिए मेलबोर्न के आसपास की जगह को चुना था, और ये जो कि फोटोग्राफी है वो कि पूरे 6 हफ्तों तक चली थी, यानी कि लगभग 1.5 महीने तक ये इनकी फोटोग्राफी है, फिल्मिंग है, वो चली थी, ठीक है, मतलब शूटिंग जो है वो चली थी। और अगर हम यहीं पे आपको बताना चाहूँ इसके फिल्म के सिनेमेटोग्राफर कौन है, तो इसके सिनेमेटोग्राफर है जो कि डेविड एग्बी है, जिन्होंने इसकी सिनेमेटोग्राफी की थी, ठीक है। और ये जो फिल्म है इसको पोलराइज्ड रिसेप्शन मिला था जब ये रिलीज़ हुई थी 19 अप्रैल 1979 के अंदर, और इसी फिल्म ने AACTA अवार्ड जीते थे, ठीक है। इन्होंने 4 AACTA अवार्ड जीते थे जब ये फिल्म रिलीज़ हुई थी,
और इसका जो फिल्म का बजट था जो कि है $4 लाख का था, मतलब 400 के डॉलर का इसका बजट था। और जो इसने टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो उठाया है वो भाई बहुत गजब का इन्होंने उठाया है, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी आपके लिए थोड़ा सस्पेंस है, आपको थोड़ा गैस कीजिए मतलब कितना हो सकता है। लेकिन है ना, इसका इसका जो फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है उसके लिए इसका नाम, इस फिल्म का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी आया है, जो कि है मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म करके इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी मिला है। और तभी से जो मैड मैक्स की जो फ्रेंचाइज है, जबकि सीरीज़ है जो कि जबी से चालू हो गई थी, ठीक है, और तभी इसके बाद इसके जो कि 3 सीक्वल राइज हुए थे, जो कि मैड मैक्स 2, मैड मैक्स बियॉन्ड थंडर डोम जो कि 1985 के अंदर आया था, और मैड मैक्स 2 1981 के अंदर, और उसके बाद मैड मैक्स फ्यूरी रोड जो कि 2015 के अंदर आई थी, और एक जो कि है फ्यूरियोसा मैड मैक्स सागा जो कि अभी 2024 के अंदर आई थी, जिसके बारे में हम अपनी पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, ठीक है। तभी से इनकी ये सीरीज़ और इनकी सीक्वल वगैरह चलने लग गए थे, और जब वो उनकी मैड मैक्स ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिया था। और चलो अब इसके बारे में हम थोड़ी और जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करूँगा, जिसकी इसके एडिटर की अगर हम बात करें तो इसके एडिटर है टॉनी पैटरसन, और इनके साथ ही क्लिफ हेस, ये दोनों इसके एडिटर हैं। और अगर हम बात करें इस फिल्म के अंदर म्यूज़िक का काम किसने किया है, तो इस फिल्म के अंदर म्यूज़िक का काम किया है ब्रियान मे ने। और प्रोडक्शन कंपनी से अगर हम बात करें जो कि है केनेडी मिलर प्रोडक्शंस, और हम डिस्ट्रीब्यूटर्स की अगर हम बात करें जो कि है रोड शो फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर, जो इसके डिस्ट्रीब्यूटर से अगर हम बात करें इस फिल्म की रिलीज डेट के बारे में जो कि है 12 अप्रैल 1979, और अगर हम बात करें ये फिल्म कितने मिनट की रही थी उस टाइम पे, तो ये 93 मिनट्स की ये फिल्म टोटल रही थी, ठीक है। और अगर हम बात करें, आपको बताया इसका जो बजट था, जो उन्होंने एस्टिमेटेड का जो बजट था जो कि है 350 के से 400 के डॉलर्स का इनका बजट था, यानी कि 3.5 लाख से 4 लाख डॉलर का इनका टोटल बजट रहा था उस टाइम पे, और जो कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर थे। और उसी के बाद जो इसका जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, जो कि इसका ओवरऑल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, जो कि मैंने तेरे सस्पेंस बना के रखा था, वो है $100 मिलियन ये इसका ओवरऑल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। और इसी के साथ इस फिल्म को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर शामिल किया गया, जो कि मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म करके इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर नाम मिला। तो भाई ऐसी फिल्म के बारे में आज मैंने आपको बताया जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिसका नाम शामिल है। तो आप ज़रूर से कमेंट करके बताना आपको ये फिल्म कैसी लगी, इसी के बारे में आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। मुझे लगता है आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई फिल्म रिव्यू या किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय। बहुत ज़्यादा मैं आपको इसके बारे में बता पाऊँ ताकि आप इस फिल्म के बारे में जान सको कि आपको ये देखनी चाहिए नहीं। आज मैं आपको इस फिल्म के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा, जैसे कि इसका सिनेमेटोग्राफर कौन है, इसके डायरेक्टर कौन है, इसके प्रोड्यूसर और इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स और इसके राइटर्स, और इसके अंदर जो स्टारिंग कैरेक्टर्स जिन्होंने इसके अंदर काम किया, जिन्होंने इसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दिया इस फिल्म को इतना अच्छा बनने में, और इसका बजट क्या था, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या था, इसकी रिलीज डेट और किसने इसको रिलीज़ कराया और कब ये रिलीज़ हुई थी, और बहुत सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। बहुत सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। तो चलिए फटाफट से आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं जिस फिल्म के बारे में, उस फिल्म का नाम है मैड मैक्स, जो कि 1979 की एक ऑस्ट्रेलियन फिल्म है, और इसके डायरेक्टर है जॉर्ज मिलर। और अगर हम बात करें इस फिल्म की थीम की, तो ये फिल्म एक डायस्टोपियन एक्शन फिल्म है ये, ठीक है, और इसके डायरेक्टर मैंने आपको अभी बताया जो कि है जॉर्ज मिलर। और इस फिल्म के जो को राइटर है वो है जेम्स एमसी कॉजलैंड, और ये जो फिल्म है उसकी जो कि स्टोरी है जो कि मिलर और बायरन कैनेडी इन पे ये बेस्ड होने वाली है, और जो कि मेल गिब्सन है जिन्होंने इसके अंदर स्टार रोल प्ले किया है, जिन्होंने मतलब इसके अंदर
मेल गिब्सन ने एक स्टारिंग रोल प्ले किया है, जो कि मेन लीड रोल होता है, जो कि मैड का इन्होंने रोल प्ले किया है, और मैक्स रोडेंस का है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है जो कि विजिलेंट में टर्न हो जाता है, जो कि फ्यूचर ऑस्ट्रेलिया के पास ही एक डायस्टोपियन है, वहाँ पे वो विजिलेंट में जो कि टर्न हो जाता है, और ये बात रहती है कुछ करीब सोसाइटल कोलैप्स के बीच की बात रहती है, जब वो चेंज हो जाता है, ठीक है। और जॉनी सैमुअल और ह्यूज कियेसे बायरन और स्टीव बिस्ले, टिम बर्न्स और रॉगर वॉर्ड, ये भी आपको इसके अंदर सपोर्टिंग रोल्स, एज अ सपोर्टिंग रोल आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें इस फिल्म की जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी की, जो कि इसकी जो मेन फोटोग्राफी है वो कब हुई थी, तो इसकी जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी है वो जो कि मैड मैक्स के लिए है, उन्होंने इसकी प्रिंसिपल फोटोग्राफी के लिए मेलबोर्न के आसपास की जगह को चुना था, और ये जो कि फोटोग्राफी है वो कि पूरे 6 हफ्तों तक चली थी, यानी कि लगभग 1.5 महीने तक ये इनकी फोटोग्राफी है, फिल्मिंग है वो चली थी, ठीक है, मतलब शूटिंग जो है वो चली थी। और अगर हम यहीं पे आपको बताना चाहूँ इसके फिल्म के सिनेमेटोग्राफर कौन है, तो इसके सिनेमेटोग्राफर है जो कि डेविड एग्बी है, जिन्होंने इसकी सिनेमेटोग्राफी की थी, ठीक है। और ये जो फिल्म है इसको पोलराइज्ड रिसेप्शन मिला था जब ये रिलीज़ हुई थी 19 अप्रैल 1979 के अंदर, और इसी फिल्म ने AACTA अवार्ड जीते थे, ठीक है। इन्होंने 4 AACTA अवार्ड जीते थे जब ये फिल्म रिलीज़ हुई थी, और इसका जो फिल्म का बजट था जो कि है $4 लाख का था, मतलब 400 के डॉलर का इसका बजट था, और जो इसने टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो उठाया है वो भाई बहुत गजब का इन्होंने उठाया है, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी आपके लिए थोड़ा सस्पेंस है, आपको थोड़ा गैस कीजिए मतलब कितना हो सकता है, लेकिन है ना इसका जो फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है उसके लिए इस फिल्म का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी आया है, जो कि है मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म करके इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी मिला है। और तभी से जो मैड मैक्स की जो फ्रेंचाइज है, जबकि सीरीज है, जो कि जबी से चालू हो गई थी, ठीक है, और तभी इसके बाद इसके जो कि 3 सीक्वल राइज हुए थे, जो कि मैड मैक्स 2, मैड मैक्स बियॉन्ड थंडर डोम जो कि 1985 के अंदर आया था, और मैड मैक्स 2 1981 के अंदर, और उसके बाद मैड मैक्स फ्यूरी रोड जो कि 2015 के अंदर आई थी, और एक जो कि है फ्यूरियोसा मैड मैक्स सागा जो कि अभी 2024 के अंदर आई थी, जिसके बारे में हम अपनी पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, ठीक है। तभी से इनकी ये सीरीज़ और इनकी सीक्वल वगैरह चलने लग गए थे, और जब वो उनकी मैड मैक्स ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिया था। और चलो अब इसके बारे में हम थोड़ी और जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करूँगा, जिसकी इसके एडिटर की अगर हम बात करें तो इसके एडिटर है टॉनी पैटरसन, और इनके साथ ही क्लिफ हेस, ये दोनों इसके एडिटर हैं। और अगर हम बात करें इस फिल्म के अंदर म्यूज़िक का काम किसने किया है, तो इस फिल्म के अंदर म्यूज़िक का काम किया है ब्रियान मे ने, और प्रोडक्शन कंपनीज की अगर हम बात करें जो कि है केनेडी मिलर प्रोडक्शंस, और हम डिस्ट्रीब्यूटर्स की अगर हम बात करें जो कि है रोड शो फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर, जो इसके डिस्ट्रीब्यूटर से अगर हम बात करें इस फिल्म की रिलीज डेट के बारे में, जो कि है 12 अप्रैल 1979, और अगर हम बात करें ये फिल्म कितने मिनट की रही थी उस टाइम पे, तो ये 93 मिनट्स की ये फिल्म टोटल रही थी, ठीक है। और अगर हम बात करें, आपको बताया इसका जो बजट था, जो उन्होंने एस्टिमेटेड का जो बजट था जो कि है 350 के से 400 के डॉलर्स का इनका बजट था, यानी कि 3.5 लाख से 4 लाख डॉलर का इनका टोटल बजट रहा था उस टाइम पे, और जो कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर थे, और उसी के बाद जो इसका जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, जो कि इसका ओवरऑल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, जो कि मैंने तेरे सस्पेंस बना के रखा था, वो है $100 मिलियन ये इसका ओवरऑल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, और इसी के साथ इस फिल्म को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर शामिल किया गया, जो कि मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म करके इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर नाम मिला,
तो भाई ऐसी फिल्म के बारे में आज मैंने आपको बताया जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिसका नाम शामिल है। तो आप ज़रूर से कमेंट करके बताना आपको ये फिल्म कैसी लगी, इसी के बारे में आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। मुझे लगता है आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई फिल्म रिव्यू या किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय। बहुत ज़्यादा मैं आपको इसके बारे में बता पाऊँ ताकि आप इस फिल्म के बारे में जान सको कि आपको ये देखनी चाहिए नहीं। आज मैं आपको इस फिल्म के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा, जैसे कि इसका सिनेमेटोग्राफर कौन है, इसके डायरेक्टर कौन है, इसके प्रोड्यूसर और इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स और इसके राइटर्स और इसके अंदर जो स्टारिंग कैरेक्टर्स जिन्होंने इसके अंदर काम किया, जिन्होंने इसके अंदर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया इस फिल्म को इतना अच्छा बनने में, और इसका बजट क्या था, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या था, इसकी रिलीज़ डेट और किसने इसको रिलीज़ कराया और कब ये रिलीज़ हुई थी, और बहुत सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। बहुत सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। तो चलिए फटाफट से आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं जिस फिल्म के बारे में, उस फिल्म का नाम है मैड मैक्स, जो कि 1979 की एक ऑस्ट्रेलियन फिल्म है और इसके डायरेक्टर है जॉर्ज मिलर। और अगर हम बात करें इस फिल्म की थीम की, तो ये फिल्म एक डायस्टोपियन एक्शन फिल्म है ये, ठीक है। और इसके डायरेक्टर मैंने आपको अभी बताया जो कि है जॉर्ज मिलर, और इस फिल्म के जो को राइटर है वो है जेम्स एमसी कॉजलैंड। और ये जो फिल्म है उसकी जो कि स्टोरी है, जो कि मिलर और बायरन कैनेडी इन पे ये बेस्ड होने वाली है, और जो कि मेल गिब्सन है जिन्होंने इसके अंदर स्टार रोल प्ले किया है, जिन्होंने मतलब इसके अंदर मेल गिब्सन ने एक स्टारिंग रोल प्ले किया है जो कि मेन लीड रोल होता है, जो कि मैड का इन्होंने रोल प्ले किया है, और मैक्स रोडेंस का है जो कि एक पुलिस ऑफिसर है जो कि विजिलेंट में टर्न हो जाता है, जो कि फ्यूचर ऑस्ट्रेलिया के पास ही एक डायस्टोपियन है, वहाँ पे वो विजिलेंट में जो कि टर्न हो जाता है। और ये बात रहती है कुछ करीब सोसाइटल कोलैप्स के बीच की बात रहती है जब वो चेंज हो जाता है, ठीक है। और जॉनी सैमुअल और ह्यूज कियेसे बायरन और स्टीव बिस्ले, टिम बर्न्स और रॉगर वॉर्ड, ये भी आपको इसके अंदर सपोर्टिंग रोल्स एज अ सपोर्टिंग रोल आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें इस फिल्म की जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी की, जो कि इसकी जो मेन फोटोग्राफी है वो कब हुई थी, तो इसकी जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी है वो जो कि मैड मैक्स के लिए है, उन्होंने इसकी प्रिंसिपल फोटोग्राफी के लिए मेलबोर्न के आसपास की जगह को चुना था, और ये जो कि फोटोग्राफी है वो कि पूरे 6 हफ्तों तक चली थी, यानी कि लगभग 1.5 महीने तक ये इनकी फोटोग्राफी है, फिल्मिंग है वो चली थी, ठीक है, मतलब शूटिंग जो है वो चली थी। और अगर हम यहीं पे आपको बताना चाहूँ इसके फिल्म के सिनेमेटोग्राफर कौन है, तो इसके सिनेमेटोग्राफर है जो कि डेविड एग्बी है, जिन्होंने इसकी सिनेमेटोग्राफी की थी, ठीक है। और ये जो फिल्म है इसको पोलराइज्ड रिसेप्शन मिला था जब ये रिलीज़ हुई थी 19 अप्रैल 1979 के अंदर, और इसी फिल्म ने AACTA अवार्ड जीते थे, ठीक है। इन्होंने 4 AACTA अवार्ड जीते थे जब ये फिल्म रिलीज़ हुई थी, और इसका जो फिल्म का बजट था जो कि है $4 लाख का था, मतलब 400 के डॉलर का इसका बजट था, और जो इसने टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो उठाया है वो भाई बहुत गजब का इन्होंने उठाया है, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी आपके लिए थोड़ा सस्पेंस है, आपको थोड़ा गैस कीजिए मतलब कितना हो सकता है, लेकिन है ना इसका जो फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है उसके लिए इस फिल्म का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी आया है, जो कि है मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म करके इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी मिला है। और तभी से जो मैड मैक्स की जो फ्रेंचाइज है, जबकि सीरीज है जो कि जबी से चालू हो गई थी, ठीक है, और तभी इसके बाद इसके जो कि 3 सीक्वल राइज हुए थे, जो कि मैड मैक्स 2, मैड मैक्स बियॉन्ड थंडर डोम जो कि 1985 के अंदर आया था, और मैड मैक्स 2 1981 के अंदर, और उसके बाद मैड मैक्स फ्यूरी रोड जो कि 2015 के अंदर आई थी, और एक
जो कि है फ्यूरियोसा मैडमैक्स सागा, जो कि अभी 2024 के अंदर आई थी, जिसके बारे में हम अपनी पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, ठीक है। तभी से इनकी ये सीरीज़ और इनकी सीक्वल वगैरह चलने लग गए थे, और जब वो उनकी मैडमैक्स ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिया था। और चलो अब इसके बारे में हम थोड़ी और जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करूँगा, जिसकी इसके एडिटर की अगर हम बात करें तो इसके एडिटर है टॉनी पैटरसन, और क्लिफ इनके साथ ही क्लिफ हेस, ये दोनों इसके एडिटर हैं। और अगर हम बात करें इस फिल्म के अंदर म्यूज़िक का काम किसने किया है, तो इस फिल्म के अंदर म्यूज़िक का काम किया है ब्रियान मे ने। और प्रोडक्शन कंपनी की अगर हम बात करें, जो कि है केनेडी मिलर प्रोडक्शंस, और हम डिस्ट्रीब्यूटर्स की अगर हम बात करें, जो कि है रोड शो फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर। जो इसके डिस्ट्रीब्यूटर से अगर हम बात करें इस फिल्म की रिलीज़ डेट के बारे में, जो कि है 12 अप्रैल 1979, और अगर हम बात करें ये फिल्म कितने मिनट की रही थी उस टाइम पे, तो ये 93 मिनट्स की ये फिल्म टोटल रही थी, ठीक है। और अगर हम बात करें, आपको बताया इसका जो बजट था, जो उन्होंने एस्टिमेटेड का जो बजट था, जो कि है 350 के से 400 के डॉलर्स का इनका बजट था, यानी कि 3.5 लाख से 4 लाख डॉलर का इनका टोटल बजट रहा था उस टाइम पे, और जो कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर थे। और उसी के बाद जो इसका जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, जो कि इसका ओवरऑल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, जो कि मैंने तेरे सस्पेंस बना के रखा था, वो है 100 मिलियन डॉलर्स, 100 मिलियन US डॉलर्स, ये इसका ओवरऑल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। और इसी के साथ इस फिल्म को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर शामिल किया गया, जो कि मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म करके इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर नाम मिला। तो भाई ऐसी फिल्म के बारे में आज मैंने आपको बताया, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिसका नाम शामिल है। तो आप ज़रूर से कमेंट करके बताना आपको ये फिल्म कैसी लगी, और इसी के बारे में आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। मुझे लगता है आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई फिल्म रिव्यू या किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय। बहुत ज़्यादा मैं आपको इसके बारे में बता पाऊँ ताकि आप इस फिल्म के बारे में जान सको कि आपको ये देखनी चाहिए नहीं। आज मैं आपको इस फिल्म के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा, जैसे कि इसका सिनेमेटोग्राफर कौन है, इसके डायरेक्टर कौन है, इसके प्रोड्यूसर और इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स और इसके राइटर्स, और इसके अंदर जो स्टारिंग कैरेक्टर्स जिन्होंने इसके अंदर काम किया, जिन्होंने इसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दिया इस फिल्म को इतना अच्छा बनने में, और इसका बजट क्या था, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या था, इसकी रिलीज़ डेट, और किसने इसको रिलीज़ कराया, और कब ये रिलीज़ हुई थी, और बहुत सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। बहुत सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। तो चलिए फटाफट से आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं जिस फिल्म के बारे में, उस फिल्म का नाम है मैड मैक्स, जो कि 1979 की एक ऑस्ट्रेलियन फिल्म है, और इसके डायरेक्टर है जॉर्ज मिलर। और अगर हम बात करें इस फिल्म की थीम की, तो ये फिल्म एक डायस्टोपियन एक्शन फिल्म है, ये ठीक है। और इसके डायरेक्टर मैंने आपको अभी बताया, जो कि है जॉर्ज मिलर। और इस फिल्म के जो को राइटर है वो है जेम्स एमसी कॉजलैंड। और ये जो फिल्म है उसकी जो कि स्टोरी है, जो कि मिलर और बायरन कैनेडी इन पे ये बेस्ड होने वाली है, और जो कि मेल गिब्सन है जिन्होंने इसके अंदर स्टार रोल प्ले किया है, जिन्होंने मतलब इसके अंदर मेल गिब्सन ने एक स्टारिंग रोल प्ले किया है, जो कि मेन लीड रोल होता है, जो कि मैड का इन्होंने रोल प्ले किया है। और मैक्स रोडेंस का है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है, जो कि विजिलेंट में टर्न हो जाता है, जो कि फ्यूचर ऑस्ट्रेलिया के पास ही एक डायस्टोपियन है, वहाँ पे वो विजिलेंट में जो कि टर्न हो जाता है। और ये बात रहती है कुछ करीब सोसाइटल कोलैप्स के बीच की बात रहती है, जब वो चेंज हो जाता है, ठीक है। और जॉनी सैमुअल और ह्यूज कियेसे बायरन और स्टीव बिस्ले, टिम बर्न्स और रॉगर वॉर्ड, ये भी आपको इसके अंदर सपोर्टिंग रोल्स, एज अ सपोर्टिंग रोल आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें इस फिल्म की जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी की, जो कि इसकी जो मेन फोटोग्राफी है वो कब हुई थी, तो इसकी जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी है
वो जो कि मेड मैक्स के लिए है, उन्होंने उन्होंने इसकी प्रिंसिपल फोटोग्राफी के लिए मेलबोर्न के आसपास की जगह को चुना था। और ये जो कि फोटोग्राफी है वो कि पूरे 6 हफ्तों तक चली थी, यानी कि लगभग 1.5 महीने तक ये इनकी फोटोग्राफी है, फिल्मिंग है, वो चली थी। ठीक है, मतलब शूटिंग जो है वो चली थी। और अगर हम यहीं पे आपको बताना चाहूँ इसके फिल्म के सिनेमेटोग्राफर कौन है, तो इसके सिनेमेटोग्राफर है जो कि डेविड एग्बी है, जिन्होंने इसकी सिनेमेटोग्राफी की थी। ठीक है, और ये जो फिल्म है उसको इसको पोलराइज्ड रिसेप्शन मिला था जब ये रिलीज़ हुई थी 19 अप्रैल 1979 के अंदर। और इसी फिल्म ने AACTA अवार्ड जीते थे। ठीक है, इन्होंने 4 AACTA अवार्ड जीते थे जब ये फिल्म रिलीज़ हुई थी। और इसका जो फिल्म का बजट था जो कि है $4 लाख का था, मतलब 400 के डॉलर का इसका बजट था। और जो इसने टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो उठाया है वो भाई बहुत गजब का इन्होंने उठाया है, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी आपके लिए थोड़ा सस्पेंस है, आपको थोड़ा गैस कीजिए मतलब कितना हो सकता है। लेकिन है ना, इसका इसका जो फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है उसके लिए इसका नाम, इस फिल्म का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी आया है, जो कि है मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म करके इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी मिला है। और तभी से जो मैड मैक्स की जो फ्रेंचाइज है, जबकि सीरीज़ है जो कि जबी से चालू हो गई थी। ठीक है, और तभी इसके बाद इसके जो कि 3 सीक्वल राइज हुए थे, जो कि मैड मैक्स 2, मैड मैक्स बियॉन्ड थंडर डोम जो कि 1985 के अंदर आया था, और मैड मैक्स 2 1981 के अंदर, और उसके बाद मैड मैक्स फ्यूरी रोड जो कि 2015 के अंदर आई थी, और एक जो कि है फ्यूरियोसा मैड मैक्स सागा जो कि अभी 2024 के अंदर आई थी, जिसके बारे में हम अपनी पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। ठीक है, तभी से इनकी ये सीरीज़ और इनकी सीक्वल वगैरह चलने लग गए थे, और जब वो उनकी मैड मैक्स ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिया था। और चलो अब इसके बारे में हम थोड़ी और जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करूँगा, जिसकी इसके एडिटर की अगर हम बात करें तो इसके एडिटर है टॉनी पैटरसन, और इनके साथ ही क्लिफ हेस, ये दोनों इसके एडिटर हैं। और अगर हम बात करें इस फिल्म के अंदर म्यूज़िक का काम किसने किया है, तो इस फिल्म के अंदर म्यूज़िक का काम किया है ब्रियान मे ने। और प्रोडक्शन कंपनीज की अगर हम बात करें जो कि है केनेडी मिलर प्रोडक्शंस, और हम डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूटर्स की अगर हम बात करें जो कि है रोड शो फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर, जो इसके डिस्ट्रीब्यूटर से अगर हम बात करें इस फिल्म की रिलीज़ डेट के बारे में जो कि है 12 अप्रैल 1979, और अगर हम बात करें ये फिल्म कितने मिनट की रही थी उस टाइम पे, तो ये 93 मिनट्स की ये फिल्म टोटल रही थी। ठीक है, और अगर हम बात करें, आपको बताया इसका जो बजट था, जो उन्होंने एस्टिमेटेड का जो बजट था जो कि है 350 के से 400 के डॉलर्स का इनका बजट था, यानी कि 3.5 लाख से 4 लाख डॉलर का इनका टोटल बजट रहा था उस टाइम पे, और जो कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर थे। और उसी के बाद जो इसका जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, जो कि इसका ओवरऑल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, जो कि मैंने तेरे सस्पेंस बना के रखा था, वो है 100 मिलियन डॉलर्स, 100 मिलियन US डॉलर्स, ये इसका ओवरऑल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। और इसी के साथ इस फिल्म को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर शामिल किया गया, जो कि मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म करके इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर नाम मिला। तो भाई ऐसी फिल्म के बारे में आज मैंने आपको बताया जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिसका नाम शामिल है। तो आप ज़रूर से कमेंट करके बताना आपको ये फिल्म कैसी लगी, इसी के बारे में आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। मुझे लगता है आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई फिल्म रिव्यू या किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय। बहुत ज़्यादा मैं आपको इसके बारे में बता पाऊँ ताकि आप इस फिल्म के बारे में जान सको कि आपको ये देखनी चाहिए नहीं। आज मैं आपको इस फिल्म के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा, जैसे कि इसका सिनेमेटोग्राफर कौन है, इसके डायरेक्टर कौन है, इसके प्रोड्यूसर और इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स और इसके राइटर्स, और इसके अंदर जो स्टारिंग कैरेक्टर्स जिन्होंने इसके अंदर काम किया, जिन्होंने इसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दिया इस फिल्म को इतना अच्छा बनने में, और इसका बजट क्या था, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या था, इसकी रिलीज़ डेट, और किसने इसको रिलीज़ कराया, और कब ये रिलीज़ हुई थी, और बहुत सारी चीज़ें आज आपको इस
वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी, बहुत सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। तो चलिए फटाफट से आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं जिस फिल्म के बारे में, उस फिल्म का नाम है मैड मैक्स, जो कि 1979 की एक ऑस्ट्रेलियन फिल्म है और इसके डायरेक्टर है जॉर्ज मिलर। और अगर हम बात करें इस फिल्म की थीम की, तो ये फिल्म एक डायस्टोपियन एक्शन फिल्म है ये, ठीक है। और इसके डायरेक्टर मैंने आपको अभी बताया, जो कि है जॉर्ज मिलर। और इस फिल्म के जो को राइटर है वो है जेम्स एमसी कॉजलैंड। और ये जो फिल्म है उसकी जो कि स्टोरी है, जो कि मिलर और बायरन कैनेडी इन पे ये बेस्ड होने वाली है। और जो कि मेल गिब्सन है, जिन्होंने इसके अंदर स्टार रोल प्ले किया है, जिन्होंने मतलब इसके अंदर मेल गिब्सन ने एक स्टारिंग रोल प्ले किया है, जो कि मेन लीड रोल होता है, जो कि मैड का इन्होंने रोल प्ले किया है। और मैक्स रोडेंस का है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है, जो कि विजिलेंट में टर्न हो जाता है, जो कि फ्यूचर ऑस्ट्रेलिया के पास ही एक डायस्टोपियन है, वहाँ पे वो विजिलेंट में जो कि टर्न हो जाता है। और ये बात रहती है कुछ करीब सोसाइटल कोलैप्स के बीच की बात रहती है, जब वो चेंज हो जाता है, ठीक है। और जॉनी सैमुअल और ह्यूज कियेसे बायरन और स्टीव बिस्ले, टिम बर्न्स और रॉगर वॉर्ड, ये भी आपको इसके अंदर सपोर्टिंग रोल्स, एज अ सपोर्टिंग रोल आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें इस फिल्म की जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी की, जो कि इसकी जो मेन फोटोग्राफी है वो कब हुई थी, तो इसकी जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी है वो जो कि मैड मैक्स के लिए है, उन्होंने इसकी प्रिंसिपल फोटोग्राफी के लिए मेलबोर्न के आसपास की जगह को चुना था। और ये जो कि फोटोग्राफी है वो कि पूरे 6 हफ्तों तक चली थी, यानी कि लगभग 1.5 महीने तक ये इनकी फोटोग्राफी है, फिल्मिंग है वो चली थी, ठीक है, मतलब शूटिंग जो है वो चली थी। और अगर हम यहीं पे आपको बताना चाहूँ इसके फिल्म के सिनेमेटोग्राफर कौन है, तो इसके सिनेमेटोग्राफर है जो कि डेविड एग्बी है, जिन्होंने इसकी सिनेमेटोग्राफी की थी, ठीक है। और ये जो फिल्म है इसको पोलराइज्ड रिसेप्शन मिला था जब ये रिलीज़ हुई थी 19 अप्रैल 1979 के अंदर। और इसी फिल्म ने AACTA अवार्ड जीते थे, ठीक है। इन्होंने 4 AACTA अवार्ड जीते थे जब ये फिल्म रिलीज़ हुई थी। और इसका जो फिल्म का बजट था, जो कि है $4 लाख का था, मतलब 400 के डॉलर का इसका बजट था। और जो इसने टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो उठाया है वो भाई बहुत गजब का इन्होंने उठाया है, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी आपके लिए थोड़ा सस्पेंस है, आपको थोड़ा गैस कीजिए मतलब कितना हो सकता है। लेकिन है ना, इसका जो फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, उसके लिए इस फिल्म का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी आया है, जो कि है मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म करके इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी मिला है। और तभी से जो मैड मैक्स की जो फ्रेंचाइज है, जबकि सीरीज़ है, जो कि जबी से चालू हो गई थी, ठीक है। और तभी इसके बाद इसके जो कि 3 सीक्वल राइज हुए थे, जो कि मैड मैक्स 2, मैड मैक्स बियॉन्ड थंडर डोम, जो कि 1985 के अंदर आया था, और मैड मैक्स 2 1981 के अंदर, और उसके बाद मैड मैक्स फ्यूरी रोड, जो कि 2015 के अंदर आई थी, और एक जो कि है फ्यूरियोसा मैड मैक्स सागा, जो कि अभी 2024 के अंदर आई थी, जिसके बारे में हम अपनी पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, ठीक है। तभी से इनकी ये सीरीज़ और इनकी सीक्वल वगैरह चलने लग गए थे, और जब वो उनकी मैड मैक्स ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिया था। और चलो अब इसके बारे में हम थोड़ी और जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करूँगा, जिसकी इसके एडिटर की अगर हम बात करें, तो इसके एडिटर है टॉनी पैटरसन, और इनके साथ ही क्लिफ हेस, ये दोनों इसके एडिटर हैं। और अगर हम बात करें इस फिल्म के अंदर म्यूज़िक का काम किसने किया है, तो इस फिल्म के अंदर म्यूज़िक का काम किया है ब्रियान मे ने। और प्रोडक्शन कंपनीज की अगर हम बात करें, जो कि है केनेडी मिलर प्रोडक्शंस, और हम डिस्ट्रीब्यूटर्स की अगर हम बात करें, जो कि है रोड शो फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर, जो इसके
डिस्ट्रीब्यूटर से अगर हम बात करें इस फिल्म की रिलीज डेट के बारे में, जो कि है 12 अप्रैल 1979, और अगर हम बात करें ये फिल्म कितने मिनट की रही थी उस टाइम पे, तो ये 93 मिनट्स की ये फिल्म टोटल रही थी, ठीक है। और अगर हम बात करें, आपको बताया इसका जो बजट था, जो उन्होंने एस्टिमेटेड का जो बजट था, जो कि है 350 के से 400 के डॉलर्स का इनका बजट था, यानी कि 3.5 लाख से 4 लाख डॉलर का इनका टोटल बजट रहा था उस टाइम पे, और जो कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर थे। और उसी के बाद जो इसका जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, जो कि इसका ओवरऑल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, जो कि मैंने तेरे सस्पेंस बना के रखा था, वो है 100 मिलियन यूएस डॉलर्स। ये इसका ओवरऑल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, और इसी के साथ इस फिल्म को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर शामिल किया गया, जो कि मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म करके इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर नाम मिला। तो भाई ऐसी फिल्म के बारे में आज मैंने आपको बताया जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिसका नाम शामिल है। तो आप ज़रूर से कमेंट करके बताना आपको ये फिल्म कैसी लगी, और इसी के बारे में आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। मुझे लगता है आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और नई फिल्म रिव्यू या किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय। बहुत ज़्यादा मैं आपको इसके बारे में बता पाऊँ ताकि आप इस फिल्म के बारे में जान सको कि आपको ये देखनी चाहिए नहीं। आज मैं आपको इस फिल्म के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा, जैसे कि इसका सिनेमेटोग्राफर कौन है, इसके डायरेक्टर कौन है, इसके प्रोड्यूसर और इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स और इसके राइटर्स, और इसके अंदर जो स्टारिंग कैरेक्टर्स जिन्होंने इसके अंदर काम किया, जिन्होंने इसके अंदर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया इस फिल्म को इतना अच्छा बनने में, और इसका बजट क्या था, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या था, इसकी रिलीज डेट, और किसने इसको रिलीज़ कराया, और कब ये रिलीज़ हुई थी, और बहुत सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। बहुत सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। तो चलिए फटाफट से आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं जिस फिल्म के बारे में, उस फिल्म का नाम है मैड मैक्स, जो कि 1979 की एक ऑस्ट्रेलियन फिल्म है, और इसके डायरेक्टर है जॉर्ज मिलर। और अगर हम बात करें इस फिल्म की थीम की, तो ये फिल्म एक डायस्टोपियन एक्शन फिल्म है, ये ठीक है। और इसके डायरेक्टर मैंने आपको अभी बताया, जो कि है जॉर्ज मिलर, और इस फिल्म के जो को राइटर है वो है जेम्स एमसी कॉजलैंड। और ये जो फिल्म है उसकी जो कि स्टोरी है, जो कि मिलर और बायरन कैनेडी इन पे ये बेस्ड होने वाली है, और जो कि मेल गिब्सन है जिन्होंने इसके अंदर स्टार रोल प्ले किया है, जिन्होंने मतलब इसके अंदर मेल गिब्सन ने एक स्टारिंग रोल प्ले किया है, जो कि मेन लीड रोल होता है, जो कि मैड का इन्होंने रोल प्ले किया है, और मैक्स रोडेंस का है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है, जो कि विजिलेंट में टर्न हो जाता है, जो कि फ्यूचर ऑस्ट्रेलिया के पास ही एक डायस्टोपियन है, वहाँ पे वो विजिलेंट में जो कि टर्न हो जाता है, और ये बात रहती है कुछ करीब सोसाइटल कोलैप्स के बीच की बात रहती है, जब वो चेंज हो जाता है, ठीक है। और जॉनी सैमुअल और ह्यूज कियेसे बायरन और स्टीव बिस्ले, टिम बर्न्स और रॉगर वॉर्ड, ये भी आपको इसके अंदर सपोर्टिंग रोल्स, एज अ सपोर्टिंग रोल आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें इस फिल्म की जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी की, जो कि इसकी जो मेन फोटोग्राफी है वो कब हुई थी, तो इसकी जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी है वो जो कि मैड मैक्स के लिए, उन्होंने इसकी प्रिंसिपल फोटोग्राफी के लिए मेलबोर्न के आसपास की जगह को चुना था, और ये जो कि फोटोग्राफी है वो कि पूरे 6 हफ्तों तक चली थी, यानी कि लगभग 1.5 महीने तक ये इनकी फोटोग्राफी है, फिल्मिंग है, वो चली थी, ठीक है, मतलब शूटिंग जो है वो चली थी। और अगर हम यहीं पे आपको बताना चाहूँ इसके फिल्म के सिनेमेटोग्राफर कौन है, तो इसके सिनेमेटोग्राफर है जो कि डेविड एग्बी है, जिन्होंने इसकी सिनेमेटोग्राफी की थी, ठीक है। और ये जो फिल्म है इसको पोलराइज्ड रिसेप्शन मिला था जब ये रिलीज़ हुई थी 19 अप्रैल 1979 के अंदर, और इसी फिल्म ने AACTA अवार्ड जीते थे, ठीक है। इन्होंने 4 AACTA अवार्ड जीते थे
जब ये फिल्म रिलीज़ हुई थी, और इसका जो फिल्म का बजट था जो कि है $4 लाख का था, मतलब 400 के डॉलर का इसका बजट था, और जो इसने टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो उठाया है वो भाई बहुत गजब का इन्होंने उठाया है, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी आपके लिए थोड़ा सस्पेंस है, आपको थोड़ा गैस कीजिए मतलब कितना हो सकता है। लेकिन है ना, इसका इसका जो फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है उसके लिए इसका नाम, इस फिल्म का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी आया है, जो कि है मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म करके इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी मिला है। और तभी से जो मैड मैक्स की जो फ्रेंचाइज है, जबकि सीरीज़ है जो कि जबी से चालू हो गई थी, ठीक है, और तभी इसके बाद इसके जो कि 3 सीक्वल राइज हुए थे, जो कि मैड मैक्स 2, मैड मैक्स बियॉन्ड थंडर डोम जो कि 1985 के अंदर आया था, और मैड मैक्स 2 1981 के अंदर, और उसके बाद मैड मैक्स फ्यूरी रोड जो कि 2015 के अंदर आई थी, और एक जो कि है फ्यूरियोसा मैड मैक्स सागा जो कि अभी 2024 के अंदर आई थी, जिसके बारे में हम अपनी पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, ठीक है। तभी से इनकी ये सीरीज़ और इनकी सीक्वल वगैरह चलने लग गए थे, और जब वो उनकी मैड मैक्स ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिया था। और चलो अब इसके बारे में हम थोड़ी और जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करूँगा, जिसकी इसके एडिटर की अगर हम बात करें तो इसके एडिटर है टॉनी पैटरसन, और इनके साथ ही क्लिफ हेस, ये दोनों इसके एडिटर हैं। और अगर हम बात करें इस फिल्म के अंदर म्यूज़िक का काम किसने किया है, तो इस फिल्म के अंदर म्यूज़िक का काम किया है ब्रियान मे ने, और प्रोडक्शन कंपनीज की अगर हम बात करें जो कि है केनेडी मिलर प्रोडक्शंस, और हम डिस्ट्रीब्यूटर्स की अगर हम बात करें जो कि है रोड शो फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर, जो इसके डिस्ट्रीब्यूटर से अगर हम बात करें इस फिल्म की रिलीज़ डेट के बारे में जो कि है 12 अप्रैल 1979, और अगर हम बात करें ये फिल्म कितने मिनट की रही थी उस टाइम पे, तो ये 93 मिनट्स की ये फिल्म टोटल रही थी, ठीक है। और अगर हम बात करें, आपको बताया इसका जो बजट था, जो उन्होंने एस्टिमेटेड का जो बजट था जो कि है 350 के से 400 के डॉलर्स का इनका बजट था, यानी कि 3.5 लाख से 4 लाख डॉलर का इनका टोटल बजट रहा था उस टाइम पे, और जो कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर थे। और उसी के बाद जो इसका जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, जो कि इसका ओवरऑल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, जो कि मैंने तेरे सस्पेंस बना के रखा था, वो है $100 मिलियन ये इसका ओवरऑल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। और इसी के साथ इस फिल्म को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर शामिल किया गया, जो कि मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म करके इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर नाम मिला। तो भाई ऐसी फिल्म के बारे में आज मैंने आपको बताया जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिसका नाम शामिल है। तो आप ज़रूर से कमेंट करके बताना आपको ये फिल्म कैसी लगी, इसी के बारे में आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। मुझे लगता है आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई फिल्म रिव्यू या किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय। बहुत ज़्यादा मैं आपको इसके बारे में बता पाऊँ ताकि आप इस फिल्म के बारे में जान सको कि आपको ये देखनी चाहिए नहीं। आज मैं आपको इस फिल्म के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा, जैसे कि इसका सिनेमेटोग्राफर कौन है, इसके डायरेक्टर कौन है, इसके प्रोड्यूसर और इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स और इसके राइटर्स, और इसके अंदर जो स्टारिंग कैरेक्टर्स जिन्होंने इसके अंदर काम किया, जिन्होंने इसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दिया इस फिल्म को इतना अच्छा बनने में, और इसका बजट क्या था, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या था, इसकी रिलीज़ डेट, और किसने इसको रिलीज़ कराया, और कब ये रिलीज़ हुई थी, और बहुत सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। बहुत सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। तो चलिए फटाफट से आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं जिस फिल्म के बारे में, उस फिल्म का नाम है मैड मैक्स, जो कि 1979 की एक ऑस्ट्रेलियन फिल्म है, और इसके डायरेक्टर है जॉर्ज मिलर। और अगर हम बात करें इस फिल्म की थीम की, तो ये फिल्म एक डायस्टोपियन एक्शन फिल्म है, ये ठीक है, और इसके डायरेक्टर मैंने आपको अभी बताया जो कि है जॉर्ज मिलर, और इस फिल्म के जो को राइटर है वो है जेम्स एमसी कॉजलैंड। और ये जो फिल्म है उसकी जो कि स्टोरी है, जो कि मिलर और बायरन केनेडी इन पे ये बेस्ड होने वाली है, और जो कि मेल गिब्सन है जिन्होंने इसके अंदर स्टार रोल प्ले किया है, जिन्होंने मतलब इसके अंदर
मेल गिब्सन ने एक स्टारिंग रोल प्ले किया है, जो कि मेन लीड रोल होता है, जो कि मैड का इन्होंने रोल प्ले किया है, और मैक्स रोडेंस का है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है जो कि विजिलेंट में टर्न हो जाता है, जो कि फ्यूचर ऑस्ट्रेलिया के पास ही एक डायस्टोपियन है, वहाँ पे वो विजिलेंट में जो कि टर्न हो जाता है, और ये बात रहती है कुछ करीब सोसाइटल कोलैप्स के बीच की बात रहती है, जब वो चेंज हो जाता है, ठीक है। और जॉनी सैमुअल और ह्यूज कियेसे बायरन और स्टीव बिस्ले, टिम बर्न्स और रॉगर वॉर्ड, ये भी आपको इसके अंदर सपोर्टिंग रोल्स एज अ सपोर्टिंग रोल आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें इस फिल्म की जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी की, जो कि इसकी जो मेन फोटोग्राफी है वो कब हुई थी, तो इसकी जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी है वो जो कि मैड मैक्स के लिए है, उन्होंने इसकी प्रिंसिपल फोटोग्राफी के लिए मेलबोर्न के आसपास की जगह को चुना था, और ये जो कि फोटोग्राफी है वो कि पूरे 6 हफ्तों तक चली थी, यानी कि लगभग 1.5 महीने तक ये इनकी फोटोग्राफी है, फिल्मिंग है वो चली थी, ठीक है, मतलब शूटिंग जो है वो चली थी। और अगर हम यहीं पे आपको बताना चाहूँ इसके फिल्म के सिनेमेटोग्राफर कौन है, तो इसके सिनेमेटोग्राफर है जो कि डेविड एग्बी है, जिन्होंने इसकी सिनेमेटोग्राफी की थी, ठीक है। और ये जो फिल्म है इसको पोलराइज्ड रिसेप्शन मिला था जब ये रिलीज़ हुई थी 19 अप्रैल 1979 के अंदर, और इसी फिल्म ने AACTA अवार्ड जीते थे, ठीक है। इन्होंने 4 AACTA अवार्ड जीते थे जब ये फिल्म रिलीज़ हुई थी, और इसका जो फिल्म का बजट था जो कि है $4 लाख का था, मतलब 400 के डॉलर का इसका बजट था, और जो इसने टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो उठाया है वो भाई बहुत गजब का इन्होंने उठाया है, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी आपके लिए थोड़ा सस्पेंस है, आपको थोड़ा गैस कीजिए मतलब कितना हो सकता है, लेकिन है ना इसका जो फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है उसके लिए इस फिल्म का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी आया है, जो कि है मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म करके इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी मिला है। और तभी से जो मैड मैक्स की जो फ्रेंचाइज है, जबकि सीरीज है, जो कि जबी से चालू हो गई थी, ठीक है, और तभी इसके बाद इसके जो कि 3 सीक्वल राइज हुए थे, जो कि मैड मैक्स 2, मैड मैक्स बियॉन्ड थंडर डोम जो कि 1985 के अंदर आया था, और मैड मैक्स 2 1981 के अंदर, और उसके बाद मैड मैक्स फ्यूरी रोड जो कि 2015 के अंदर आई थी, और एक जो कि है फ्यूरियोसा मैड मैक्स सागा जो कि अभी 2024 के अंदर आई थी, जिसके बारे में हम अपनी पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, ठीक है। तभी से इनकी ये सीरीज़ और इनकी सीक्वल वगैरह चलने लग गए थे, और जब वो उनकी मैड मैक्स ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिया था। और चलो अब इसके बारे में हम थोड़ी और जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करूँगा, जिसकी इसके एडिटर की अगर हम बात करें तो इसके एडिटर है टॉनी पैटरसन, और इनके साथ ही क्लिफ हेस, ये दोनों इसके एडिटर हैं। और अगर हम बात करें इस फिल्म के अंदर म्यूज़िक का काम किसने किया है, तो इस फिल्म के अंदर म्यूज़िक का काम किया है ब्रियान मे ने, और प्रोडक्शन कंपनीज की अगर हम बात करें जो कि है केनेडी मिलर प्रोडक्शंस, और हम डिस्ट्रीब्यूटर्स की अगर हम बात करें जो कि है रोड शो फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर, जो इसके डिस्ट्रीब्यूटर से अगर हम बात करें इस फिल्म की रिलीज डेट के बारे में जो कि है 12 अप्रैल 1979, और अगर हम बात करें ये फिल्म कितने मिनट की रही थी उस टाइम पे, तो ये 93 मिनट्स की ये फिल्म टोटल रही थी, ठीक है। और अगर हम बात करें, आपको बताया इसका जो बजट था, जो उन्होंने एस्टिमेटेड का जो बजट था जो कि है 350 के से 400 के डॉलर्स का इनका बजट था, यानी कि 3.5 लाख से 4 लाख डॉलर का इनका टोटल बजट रहा था उस टाइम पे, और जो कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर थे, और उसी के बाद जो इसका जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, जो कि इसका ओवरऑल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, जो कि मैंने तेरे सस्पेंस बना के रखा था, वो है $100 मिलियन ये इसका ओवरऑल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, और इसी के साथ इस फिल्म को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर शामिल किया गया, जो कि मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म करके इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर नाम मिला,
तो भाई ऐसी फिल्म के बारे में आज मैंने आपको बताया जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिसका नाम शामिल है। तो आप ज़रूर से कमेंट करके बताना आपको ये फिल्म कैसी लगी, इसी के बारे में आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। मुझे लगता है आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई फिल्म रिव्यू या किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।